सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरएस व्लॉग्स। आज एक नए दिन की शुरुआत है और इस नए दिन पे हम लोग चल पड़े हैं एक नई राइड पे। राइड कुछ ऐसे होने वाली है कि अचानक ही सब कुछ प्लान हुआ, हम लोगों ने अचानक ही चीज़ों को इकट्ठा किया और बस निकल पड़े। इवन अभी हम लोगों का डिसाइडेड भी नहीं था कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, बट हम लोग निकल गए। तो सुबह के 5 बज रहे हैं और आज डेट है 12 मार्च 2021। चलते हैं आगे और मिलते हैं रास्ते में आपसे, देखते हैं राइड में कुछ नया होता है तो आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। और साथ ही साथ मज़ा आने के साथ साथ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ मेट्रो का काम हो रहा है, गाड़ी का ओडोमीटर जो है वो मुझे बता रहा है 6374 किलोमीटर। घर से मैं जब चला था तो ये था 6373। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको अभी रिवील नहीं करूँगा, ये थोड़ा सस्पेंस बना के रखूँगा ताकि आप लोग को इस वीडियो में थोड़ा अच्छा लगे। और अगर आप लोग गेस कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में गेस जरूर करिएगा। ये वीडियो हो सकता है कि 2 या 3 पार्ट्स में हो क्योंकि थोड़ी सी लंबी ट्रिप होने वाली है ये, और ये राइड मेरी सोलो राइड नहीं है, मैं अपने कज़न ब्रदर के साथ जा रहा हूँ। तो देखते हैं ये राइड कैसी रहेगी। अभी सोचा नहीं था कि मोटो ब्लॉगिंग का इस तरीके से सेटअप करके मैं कहीं निकलूँगा, क्योंकि मैं एक मतलब बहुत ही आराम पसंद टाइप का इंसान हूँ और ये मोटो ब्लॉगर लाइव जो है देखने में बहुत आसान लगती है दोस्तों, बट जब हम लोग उसको करते हैं ना तो क्या कहते हैं पता चलता है। वो कहते हैं ना कोई भी काम जब हम लोग करते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअल में उसमें कितनी मेहनत लगती है। तो मेरा जो भाई है वो मेरा पिलियन है इस राइड में, अभी मैं आपको थोड़ी देर में उससे भी मिलवाऊंगा और अपनी बाइक में जो जो मैंने सेटअप करवाया है वो भी आपको एक बार पूरा गो थ्रू दूंगा, कैसे है क्या क्या है क्या कॉस्टिंग आई थी उसको भी बताऊँगा। तो चलते हैं आगे और मिलते हैं आगे ढाबे पे या तो दोस्तों हम लोग, अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है। कोई और से मेरा कहने का मतलब है कि मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, मैं पिलियन के साथ जा रहा हूँ और पिलियन के तौर पे मेरे साथ मेरे कज़न ब्रदर हैं। मैं उनको आपसे मिलवाऊँगा और बताऊँगा कि कौन है वो क्या करते हैं। और ये मैंने अभी चैनल कुछ दिन ही हुए हैं स्टार्ट किए हुए दोस्तों, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। मैं भी और लोगों की तरह और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं इस तरह आप लोगों को एक नई चीज़ नई जगह को अपने ब्लॉगिंग के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ बने रहिए ताकि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मैं दिखाऊं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि आपके कमेंट से मुझे पता चलते रहे कि मैं वीडियो में क्या गलती कर रहा हूँ। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आरएस व्लॉग्स। दोस्तों ये है मेरी बाइक डोमिनार जिस पर मैं ये ट्रिप अपना कर रहा हूँ, और अभी हम इस समय पहुँच चुके हैं आपका ये सहारनपुर बाईपास क्रॉस करके। तो आइए मैं आपको मिलाता हूँ मेरे पिलियन राइडर के साथ, जो कि मेरे साथ
मेरे साथ इस ट्रिप के साथी हैं, मेरे साथ जा रहे हैं, इनका नाम शाहिद है। और मेरे मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियो में जो एडिटिंग का काम होता है मोस्टली यही करते हैं। तो ये मेरे साथ पिलियन है मेरी बाइक पे, ये है मेरी बाइक। बाइक पे मैंने एक टॉप रैक लगा रखा है, आप लोग देख सकते हैं। टॉप रैक के साथ साथ सैडल स्टे भी मैंने अभी अभी इंस्टॉल कराया है और हैंडल बार रेजर लगाया है। फिलहाल मैंने अभी विंडशील्ड नहीं लगाई है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा विंड ब्लास्ट का जो है दिक्कत हो रहा है इस बाइक पे। बाकी अब हम लोग चलते हैं, हम लोग अभी ये मसूरी से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पीछे हैं, मसूरी से हम लोग 100 किलोमीटर पीछे हैं। तो शुरू करते हैं, राइड को कंटिन्यू करते हैं। आइए आपको थोड़ा सा आगे का व्यू दिखाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मॉर्निंग के 9 से अबव हो रहे हैं, बट मौसम जो है थोड़ा फॉगी फॉगी सा हो रखा है, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है विजिबिलिटी उतनी क्लियर नहीं है और मौसम भी ठंडा है यहाँ पे इन कंपैरिजन टू दिल्ली। दिल्ली में हम लोग कल तक थे तो कल गर्मी थी, लेकिन यहाँ हम लोग जब से एंटर किए हैं खतौली और ये सारा जो रोड है इधर पूरा फॉगी है, बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है सब अभी बारिश हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं स्काई पूरा एकदम डार्क हो रखा है। तो चलते हैं हम लोग आगे। We'll be right back.
मसूरी एंटर नहीं करेंगे, मसूरी से पहले ही राइट हो जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग मसूरी से आगे बढ़ रहे हैं धनौल्टी की तरफ, धनौल्टी उत्तरकाशी वाले रोड पे, और देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। बाकी मोस्ट प्रोबेबली आज हम लोग धनौल्टी ही स्टे लेंगे, क्योंकि 3 बज रहे हैं और अंधेरा होने वाला है और हम लोग थक भी चुके हैं। तो धनौल्टी स्टे लेंगे, धनौल्टी से आगे कल मूव ऑन करेंगे। बाकी वीडियो में बने रहिए, देखिए नज़ारे कैसे हैं।
पार्ट वन को, और हम लोग धनौल्टी में हैं। धनौल्टी में जिस होटल में रुके हैं उस होटल का नाम है संगम गेस्ट हाउस। ये धनौल्टी मेन रोड पे है, यहाँ से चंबा ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर्स है, और काफ़ी अच्छे रेट में मुझे ये होटल मिल गया। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि कभी भी आप अगर मसूरी से धनौल्टी की तरफ आते हैं और टिहरी के लिए निकलें या चंबा के लिए निकलें, तो धनौल्टी में ये मेन रोड पे है संगम गेस्ट हाउस, काफ़ी अच्छे प्राइस पे है। आइए मैं आपको रूम टूर करा देता हूँ और दिखा देता हूँ कि रूम कैसा है। ये हमारा बेड है, बेड एंटर करते ही, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है बट ये दो लोगों के लिए सफिशेंट है और मुझे ठीक लगा ये। और इसके अलावा ये वॉशरूम है, वॉशरूम मुझे साफ सुथरा लगा, बहुत अच्छी कंडीशन में था। और साथ साथ इसकी जो बालकनी है, जो व्यू हमें देने वाला है सुबह मॉर्निंग में, जिससे कि कुछ सिनेमैटिक शॉट होंगे, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग देख सकते हैं मॉर्निंग के जो शॉट्स हैं वो यहीं से आने वाले हैं कल की सेकंड पार्ट में। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कल की वीडियो देखना ना भूले, मैं सेकंड पार्ट जब शूट करूँगा तो आप लोग उसे ज़रूर देखें, और उसमें मैं कुछ टाइम लैप्स और कुछ अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स भी डालूँगा जिससे कि आपको वीडियो और पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक माई चैनल, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और अपने कमेंट के थ्रू। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सायोनारा।